सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और फिर इस आवाम का प्यार है जिसकी वजह से हम दोनों बाप बेटी जीत के आए हैं। इसके हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि हम अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा कर सकें जिन्होंने रात और दिन मेहनत की, और ये उन्हीं की मेहनत का सिला है कि आज हम दोनों जीत गए। बाकी रहा सवाल, ये पहला इलेक्शन है जिसमें फिरका प्रस्ती की जो जड़ें हैं ना लोगों ने वो भी निकाल दी हैं। इसके लिए भी हम अपनी आवाम का बग़ैर मजहबों मिलत रंग और नस्ल बरादरी से ऊपर उठ के हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारी जीत में कोई ऐसा मज़हब कोई ऐसी बरादरी नहीं कि जिसका वोट शामिल नहीं है। तो इसके लिए भी हम उन तमाम बरादरियों का उन तमाम मजाहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमारी मदद की, हमारे एजेंडा को समझा और इस पुंच की जो चीज़ हमें विरासत में मिली है हिंदू मुस्लिम सिख के तहत उस भाईचारा को मजबूत करने के लिए भी हम उनका ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, सर कल ओथ हुई है, उसके बाद सर आगे आपकी किस तरह की राजनीति रहेगी, किस तरह के लोगों के बीच आप निकलेंगे सर काम को लेकर? यहाँ के अगर मसाइल को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा सेक्टर नहीं कि जिसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो आज 70-72 साल के बाद भी हुकूमतें आईं हुकूमतें चली गईं, लेकिन आज भी दूर दराज इलाका में आप जाओ वहाँ बिजली का एक पोल नहीं मुहैया हो सका, पानी की पाइप नहीं वहाँ हम आप जा सके, सड़कों की हालत खस्ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काम करने, स्कूलों की हालत नहीं ठीक, तो इन सारी चीज़ों पर काम करना है। बाकी यहाँ हमारे सबसे ज़्यादा यूथ के मसाइल हैं, ये यूथ के लिए यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री है, हम चाहेंगे कि इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर सोचा जाए तो उस में भी हम काम करेंगे, हमारी कोशिश होगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो काम कर सकते हैं, लोगों को इस गरीबी की सतह से ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन आज तक उनकी तरफ ना किसी नुमाइंदे ने ध्यान दिया और ना ही उन्होंने ये समझा कि हमारी भी कोई जिम्मेदारियाँ हैं। हम चाहेंगे ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं एक्टिवेट हों, लोगों के मसाइल हल करने के लिए दिन रात काम करें। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमेशा यही कॉपरेशन रहेगा और हम उनका भी कॉपरेशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस जोश और वलवला से लोगों ने हमें जताया है, लोगों की उम्मीदें हैं, हम उन पर पूरे उतर सकें। उन हजरात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल दौर में हर वक्त आवाम के मसाइल को भी उठाया, और आज इस इलेक्शन के दौर में भी उनकी जो पॉजिटिव रिपोर्टें थी हमारी जीत में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ। थैंक यू सर।